चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि इनके किसी की भी बाउंड्री वॉल नहीं है, इतना सा गेट लगा रखा है बस, ये पता नहीं क्या हो जाएगा इस गेट लगाने से। और ये अपने साइड में आ गया है वो पार्क, यहाँ पे देखते हैं अब क्या माहौल है। काफ़ी चहल पहल लग रही है बच्चों की यहाँ पे, ये देखो बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ तो काफ़ी पत्ते ही पत्ते हो रखे हैं पूरे ऑटम सीजन के कारण, बच्चे कोई गेम वेम खेलने में लग रहे हैं। यहाँ पे पूरा बच्चों का पार्क लग रहा है, सारे बच्चे ही बच्चे हो रखे हैं। और बाप रे, लड़ रहे हैं बच्चे सामने आपस में, पेट में मुक्के मार रहे हैं एक दूसरे के। ये यहाँ पे कुछ पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं, बारबेक्यू का सिस्टम लगा रखा है। वाओ, ओहो, ये देखो नज़ारा, ये साइड में कुछ पेड़ हैं, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये और भी सुंदर नज़ारा, भाई क्या बोलें इसको। अब उधर कोई बच्चों का, ये बच्चों के छोटे छोटे प्ले ग्रुप वाले स्कूल बने हुए हैं यहाँ पे इस पार्क के बीचों बीच में। अरे बाप रे बाप, वाह भाई, मेरे को पता नहीं वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन असली में तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे भाई, ये पार्क ख़त्म हो गया तो इस साइड से आए थे अपन घूमते घूमते, और यहाँ पे ये है अपना स्केट पार्क छोटा सा, जिसमें अभी बच्चे आए नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे दो मस्ती कर रहे हैं। और ये देखो भाई, यहाँ पे भी वही बेंचेस आ गई। तो जो मेरा भाई पूछ रहा था कि भाई सब जगह बेंचेस कहाँ मिल जाती हैं तेरे को, तो भाई यहाँ पे किसी भी जंगल में दूर दूर चले जाओ आपको ये बेंचेस तो हर जगह मिलेंगी। और ये है अपना यहाँ का डस्टबिन, तो ये डस्टबिन भी यहाँ पे बना रखे हैं, ये इसमें कचरा पड़ा हुआ। देखते हैं भाई इस पार्क के इस कोने में क्या है अब। तो इस साइड तो ये पार्क ख़त्म हो गया भाई, यहाँ से बस ये स्लोप जा रहा है। तो ये कोई नाले का पाइप नहीं है भाई, ये है कोई स्लाइड यहाँ पे, यहाँ से चढ़ेंगे इसमें, अंदर घुस जाएंगे गुफा में, और इसमें से जब वो जाएंगे वहाँ कहीं निकलेंगे नीचे जाके, देखते हैं इधर से जाने के बाद में। ये रहा भाई वो नाला। तो देखो ऐसी चीज़ें भाई, अपने को तो वहाँ पे कोई फ़न पार्क वार्क जो होते हैं जहाँ पे टिकट विकेट होती हैं घूमने फिरने की, वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो भाई मुझे लगता है कि यही फ़र्क है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का, यहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं लोग, तो उसका मेरे को लगता है यहीं पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है कि गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीज़ें यहाँ बना रखी हैं। पर मेरे को लगता है अगर अपन अपनी कंट्री में इतना टैक्स भी बढ़ दें तो भाई वहाँ के नेता और मोटे हो जाएंगे। बाकी ये देखो इधर भी अपन आए तो यहाँ पे वापस और कुछ बेंचेस आ गई, तो भाई इन बेंचेस की कमी नहीं है। उस भाई को मैं आप पूरी वीडियो में यही बताता रहूँगा कि ये देख यहाँ भी बेंचेस की कमी नहीं है, बारिश इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे, बेचारों को सूखने का मौका ही नहीं मिलता होगा, तो पूरे पेड़ों पे काई जम जाती है। और ये देखो अपने स्नेल भाई साहब बैठे हुए यहाँ पे, ये लो भाई इनकी शैतानी चल रही है यहाँ पे, इनके माँ बाप है नहीं शायद इनको देखने वाले इधर। और ये रहा एक और डस्टबिन भाई यहाँ पे भी, और ये इनकी फुल शैतानी चल रही है इधर, इनको लगता नहीं कोई देखने वाला है।
भाई कोई छोटा मोटा स्कूल है, ये लगता है कोई मीटिंग के लिए जगह बना रखी है इन्होंने, बच्चों की मीटिंग होती होगी यहाँ पे। ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चों की साइकिलें पड़ी हुई हैं, जेसीबी इनकी जिससे छोटे बच्चे जॉब पे जाते हैं, ये कोई मर्सिडीज छोड़ गया अपनी यहाँ पे, और भी इनकी फास्ट एंड फ्यूरियस वाले व्हीकल्स खड़े हैं इनके। और बाप रे बाप, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, क्या है भाई ये? ये देखो यहाँ पे कोई भाई अपना जानवर सो रहा है, और बाप रे बाप ये क्या है, बच्चों के ये तो चूसने वाले निप्पल होते हैं वो खा रहे हैं। तो ये बड़े जो यहाँ पे इन निप्पल्स को खाने में लग रहा है भाई ये जानवर अपना। खैर यहाँ पे ये और ये बेंचेस रही, बच्चों के बैग पड़े हैं स्कूल के, बच्चे खेल रहे हैं बच्चों के साथ, स्कूल टीचर हैं, और उनके बीच में ये भेड़ बकरियाँ भी घूम रही हैं। वाह कैसे स्कूल हैं भाई, हमारे तो स्कूल ऐसे नहीं थे जहाँ पे भेड़ बकरियाँ। ये देखो यहाँ पे ये खेल रहे हैं आराम से स्कूल के टीचर इनके। ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे आराम से, फुल मस्ती चल रही है इनकी, पूरे पार्क पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। ये देखो छोटे छोटे से घर हैं, छोटे छोटे से झूले बनाए हुए हैं इनके। और ये यहाँ पे छोटा सा मेरे को लगता है किचन गार्डन भी बना रखा है इन लोगों के लिए। सैलड बॉक्स आते हैं इनके यहाँ पे दुकानों में, उनमें देखने को मिलती हैं सारी सब्जियाँ, या तो एकदम ही ये मांस मूस खाएंगे या फिर खाएंगे एकदम ही सूखी सब्जियाँ। ये अंदर लॉक लगा रखे हैं इन्होंने सब्जियों के लिए, घरों के इनके ताले नहीं लगते ना बाउंड्री वॉल होती है, सब्जियों का ये किचन गार्डन के इन्होंने लॉक लगा रखा है। ये यहाँ पे छोटा सा खरगोश है, ओ बेटा इसके लिए देखो भाई लोग यहाँ पे घर भी बना रखा है छोटा सा लकड़ी का, ताकि बारिश हो तो इसके नीचे घुस जाए ये मोटा, और ये छोटा सा लकड़ी का और बना रखा है, इसमें घुस जाए उसमें घुस जाए बारिश हो तो। ए मोटे ए, नाराज लगता है भाई, चल कोई नहीं खेल ले भाई तू खेल ले। छोटे छोटे खरगोश कूद रहे अपने छोटे छोटे पैरों से। इसके तो बाल ही बड़े लंबे भाई, इतने बड़े लंबे बाल, लगता है तेरे नाम मूवी का फैन है सलमान खान की, आंखों पे बाल आ रखे हैं। कौवा भाग गया बाहर, अरे यहाँ तो गंदी बदबू आ रही है, मुर्गियों ने बदबू कर रखी है यहाँ पे। अरे तेरी बेटा इतनी मुर्गियाँ चिड़िया है, इतने चिड़िया कौवे कहाँ से अंदर घुस गए यहाँ पे मुर्गियों को परेशान करने, पर जहाँ भी मुर्गियाँ हैं ये बदबू बड़ा करती हैं। घोड़े तो नहीं है भाई, पर घोड़ों की लींद जरूर पड़ी है यहाँ पे, ये इस बात का सबूत देते हैं हमें कि घोड़े यहीं पे थे। और ये रहा वो घोड़ा, ये बच्चे मजे ले रहे हैं उसके। तो भाई ये था अपना पार्क का टूर, आपको पास का पार्क दिखा दिया है, और ये पार्क कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, छोटा सा पार्क है एक, जो मेरे को गूगल मैप्स पे दिखा था मेरे घर के बहुत ही क्लोज था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं आपको दिखा देते हैं। बाकी मेन जो रीज़न था ये पार्क दिखाने का वो ये कि ताकि आपको मैं दिखा सकूँ क्या डिफरेंस है अपने यहाँ के डेनमार्क के पार्क में और अपने इंडिया के पार्क में, वो ये कि वहाँ पर अपने जो नॉर्मल लोकल पार्क होते हैं भाई, वहाँ पर चार दीवारी खड़ी कर दी, बीच में थोड़ी सी घास लगा दी और दो चार झूले लगा दिए, ये एक पार्क होता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हैं ये पार्क में।